ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि उत्तराखंड की इतनी बड़ी जो त्रासदी है उसको राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया जाए। और अब तक के हर कॉलर ने, हर नेटिजन ने, और अब तक प्रतिक्रिया भेजने वाले तमाम लोगों ने यही कहा है कि इसको तुरंत 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 राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? हाँ, वंदे मातरम सर। सर, मेरा ये मानना है कि जहाँ ये सरकार इस बात को ये कह रही है कि ये एक प्राकृतिक आपदा के कारण इतना बड़ा विनाश हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार ये मानव जनित आपदा है। जहाँ जहाँ सरकार गंगा जी के बड़े बड़े बांध बना दिए, जो कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूल नहीं है, जिससे पर्यावरण संतुलन दिशाहीन हो गया, जिस कारण इतना बड़ा विनाश हो गया है। दूसरी ओर सरकार को इस बात का क्या अंदाजा नहीं है, या सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि कितने हजारों लोग इस विनाश में मारे गए, कितने हजारों लोग इसमें लापता हो गए। ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। इस प्राकृतिक आपदा के जिम्मेदार सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करना तो दूर, प्रधानमंत्री राहत के नाम पर अनुदान की घोषणा करके चुप बैठ जाते हैं। लोगों को बचाने की बजाय दौरा करके उनकी सहानुभूति लेने का बस प्रयास बस करते हैं। और ये अनुदान राशि तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, जबकि उत्तराखंड की भूमि से सरकार को काफी आमदनी होती है। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री श्री राहत कार्य का भरोसा दिलाकर विदेश चले जाते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन यात्रियों को मदद करके भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। वहां पर आने वाले करोड़ों यात्री वहां पर हजारों करोड़ रुपए देते हैं, और उसी से वहां की सारी व्यवस्था चलती है। 1,000 करोड़ रुपए क्या है? इतनी बड़ी आपदा में 1,000 करोड़ रुपए क्यों? ऐसे में तो मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था, देश के सामने आश्वासन देना चाहिए था कि जितने चाहिए उतने लगाएंगे। पहली किस्त ही ऐसे देते कि लोगों को लगता कि सरकार गंभीर है, देश गंभीर हो जाता, और वहां पर लोगों की मदद, राहत के सामान पहुंचना शुरू होते। अभी भी देश के कई हिस्से से ऐसी राहत सामग्री भेजने की शुरुआत हुई है। हम कार्यक्रम के अंतिम छोर में आपको यही कहेंगे कि हमने भी ऐसी व्यवस्था लगाई है, समन्वय का काम किया है। सुदर्शन पहला चैनल रहा जिसने इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए अपनी हेल्पलाइन शुरू की, और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट और आपके बीच में मध्यस्थता की भूमिका की, और गंभीरता के साथ इस मुद्दे का फॉलोअप किया। तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हो रही है उनमें आप मदद करिए। सुदर्शन भी इस विषय में राहत कोष शुरू कर रहा है। हम तक आने वाला सामान हम उत्तराखंड पहुंचा रहे हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा वहां जा रहा है। इसके लिए भी आप हमको फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना बिंदास बोल, में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ। उत्तराखंड का केदारनाथ की इतनी बड़ी त्रासदी को असंवेदन सरकार क्यों नहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित कर रही है? इसके पीछे गंदी राजनीति भी हो सकती है। हमारे भारत की सभी प्रादेशिक केंद्रीय सरकारें जापान देश से ट्यूशन क्यों नहीं लेती हैं? जापान देश और देशवासियों के लिए पूर्णतया समर्पित है, और बड़ी से बड़ी आपदा को शीघ्रतम शीघ्र विकट स्थिति को सामान्य स्थिति में ले आता है, जिसका उदाहरण कुछ समय पहले सुनामी लहर से विनाश लीला हुई थी। अब ऐसी आपदा में भी लूटने की आदत से मजबूर है, क्योंकि सबूत मिलेगा नहीं और लूटने वाला पूरा स्वतंत्रता से रहेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। मैं राजस्थान दोनों डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हाँ। तो जो मेरा गांव है, गांव सिंघाना, तहसील बुआना, यहाँ से दो लोग इसमें केदारनाथ के अंदर खत्म हो गए हैं सर। हेलो। बड़ी दुखद घटना है, और ऐसी घटनाएं इस देश के तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ घटी है, और इसीलिए हम आपके सामने आज का ये बिंदास लेकर आए हैं। यहाँ पर जो लोग बचे उनके ऊपर उपाय तो होना चाहिए। देश में तमाम ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी आपदा आ सकती है वो ना आए, इसके लिए भी चेतना जरूरी है। हम परिणाम आपको दिखाते हैं। बचाव कार्य सफल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 दिन के बाद भी बचाव कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं। बचे हुए लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जो लोग बचे हैं
उनके पास ना तो रहने के लिए जगह है और ना खाने के लिए खाना, ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग अपने आप को संभाल पाएंगे। जंगलों में भटके लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचाव कर्मी वो तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं। उत्तराखंड के तीर्थ स्थल फिर नहीं खुल पाएंगे। वैसे भी केदारनाथ की यात्रा अब 3-4 साल तक संभव नहीं है। वहां तक जाने वाली सड़कें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब वहां केवल हवाई यात्रा से ही पहुंचा जा सकता है। आम आदमी अपना बचाव खुद नहीं कर पाएगा। जो लोग पैसे वाले थे उन्होंने 70-80 लाख रुपए में प्राइवेट कंपनियों का हेलीकॉप्टर मांगा, लेकिन वो आम आदमी क्या करे जिसके पास इतना पैसा है। अपनों को खोने का दर्द लोग भुला नहीं पाएंगे। जिन्होंने अपनों को अपने ही सामने इस त्रासदी की भेंट चढ़ते हुए देखा है वो उस दर्द को कैसे भुला पाएंगे। लेकिन यहाँ वो जो त्रासदी में बच गए उनके बचने की संभावना भी अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि आज भी वो सहायता की तलाश में भटक रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जयंत सर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही मतलब के विरोधी भाव रखती है। देखो, इतना बड़ा सारा हमारा दायरा है हिमाचल का, इनको प्रोग्राम बनाना, कंपोजिट व्यवस्था करनी चाहिए। जब इतने यात्री जा रहे हैं और इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को डिस्टर्ब करके कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, इन लोगों के मन में बहुत ही दुर्भावना है। 80 करोड़ हिंदुओं को जो लोग डॉज कर रहे हैं, डॉजिंग कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद जनाब। सर, ये कुछ नहीं है, ये सरकार ने सारा हमारा खराब कर रखा है। ये सारी जो जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर आती है। चलिए, धन्यवाद। हम आप यहाँ पर अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, थोड़ी देर में आपको उपाय भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। सर नमस्कार, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा नाम है एचआर मोतीकर। हाँ सर, देखिए, ये जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट नहीं कर रही है, ये जो अपने यात्रियों को हाँ। जो मरने का कारण ये है, ये लोग सेक्युलर नहीं है। जो लोग सेक्युलर है उनको वोट देते हैं, उन्हीं को लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को बचाते हैं। जो यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट अभी है, कि अगर आप सेक्युलर नहीं है और उसको वोट नहीं देते, दैट इज सेक्युलर नहीं बोलते वो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। हम आपको कॉलर के बजाय यहाँ पर अब एमएमएस दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में हम तक भेजी। तो पीड़ितों को सहायता मिलेगी और मुआवजा मिलेगा, इससे जितनी जल्दी घोषित करेंगे उतना अच्छा है। जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। जिस हिसाब से जान माल का नुकसान हुआ है, वहाँ भी लोगों को मदद की बहुत बहुत जरूरत है। जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय आपदा है। वाकई में उत्तराखंड सरकार एज वेल आपको भारत सरकार को जाना चाहिए, वहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए इसे। इतना ज़्यादा डिजास्टर जो आया है उसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। जो उन्होंने दिया है अभी, जो अमाउंट वो लोग दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज सफिशिएंट। उसको और ज़्यादा देना चाहिए। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं आ रही है जी। जय हिंद भाई। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम इस संवेदनहीन सरकार से इस तरह की किसी भी प्रकार की मानवीय भावना की आशा नहीं कर सकते। ये केवल वोट लेने के लिए, सिर्फ ये अपने कंधों पर तसले में ईंट उठाने के लिए, दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या आज जो हमारे भावी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, उनमें इस समय नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर। वो अपना जन्मदिन विदेश में जाकर के मना रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहां पर उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड त्रासदी राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, हजारों लोग मारे गए, अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 6 दिन बाद भी बचाव कर्मी लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में और कौन सा समय होगा इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का? केंद्र सरकार अपनी पूरी मशीनरी को बचाव कार्यों में लगाए।
जब सड़क के सहारे बचाव कर्मी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्यों ना वायुसेना को उतारा जाए। 6 दिन बाद भी सरकार सोच रही है कि वायुसेना को रेस्ट में उतारे या ना उतारे। आर्थिक सहायता घोषित करने के साथ संसाधनों को भी लगाया जाए। केंद्र सरकार आर्थिक सहायता घोषित करके पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया है, तब केंद्र सरकार क्यों अपने संसाधनों को बचाव कार्यों में लगाने से डर रही है। सामाजिक संगठन आगे आकर लोगों की सहायता करे। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन पहले ही लोगों की सहायता में उतर चुके हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट भी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन तमाम लोगों को बचाव कार्यों में आगे आकर सहायता करने की। केंद्र सरकार जल प्रलय से बचे लोगों के लिए राहत कोष की घोषणा करे, जहां आम लोग भी राहत दान दे सकें। तो ये मुद्दा हमने आपके सामने लाया, और मुझे लगता है कि देशवासियों की मांग को समझते हुए, विषय की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तुरंत इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और अपनी सारी सरकारी यंत्रणा वहां पर बचे हुए लोगों को बचाने के लिए लगानी चाहिए। जो शव वहां पर बिखरे पड़े हैं, जिनकी बदबू आने की शुरुआत हो गई है, ऐसे शव उनके परिवार वालों को मिलना उतना सैद्धांतिक उनका अधिकार है, उनका मानवीय आधार पर वो अधिकार है, और वो पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे शवों का परस्पर उसको लावारिश मानकर अभी तुरंत अंत्य संस्कार करने के बजाय उसको सुरक्षित रखा जाए, उनको फोटो निकालकर वेबसाइट पे डाले जाए और ये कहा जाए कि इन लोगों के शव हमारे पास है। अब तमाम हजारों लोग उधर पहाड़ियों में इधर उधर घूम रहे हैं और अपनों को खोजने के प्रयास में अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने तकनीक का सहारा लेते हुए इसका अगर उपयोग करेंगे तो शायद और भी बचे हुए समय में कुछ कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि इस त्रासदी में सरकार भले ही आगे आने में अपनी देरी दिखा रही हो, लेकिन इसको देश अपनी देरी में नहीं दिखाएगा। देश अपना मानकर आगे बढ़ेगा। मदद का हाथ उत्तराखंड के लिए जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य भी है, और इस राष्ट्रीय कर्तव्य को अगर हम निभाएंगे तो ऐसी आपदा से हम बचने के लिए अपने देशवासियों को सहारा साबित होंगे। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत बड़ी परीक्षा हुई है, अब तो रुक जाना चाहिए और बचे हुए लोगों को बचा कर निकालने में मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।